अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए और मेरे किसी भी अपडेट्स को आप मिस मत कीजिए। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नई टेक्निकल वीडियो में। और आज मैं आप लोगों को रिव्यू करने वाला हूँ Asus ZenFone Max फ़ोन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे Asus ZenFone Max को, यहाँ पर लोगो दी गई है, यहाँ पर तीन बटन हमें दी गई हैं, नीचे Asus के आप डिज़ाइन देख सकते हैं। अगर हमें एक साइड में ही वॉल्यूम रॉकर्स और स्विच ऑफ बटन दी गई हैं। अगर पीछे की तरफ मुड़ कर देखा जाए तो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बनी हुई है, और यहाँ पर दो फ्लैश लाइट आपको देख रही होंगी। आप प्राइमरी कैमरा दी गई है जो 13 MP है, और यहाँ पर जैसे ही खाली जगह छोड़ दी गई है, ऊपर आप देखेंगे तो आपको 3.5 mm की जैक दी गई है, नीचे की तरफ नॉर्मल USB चार्जिंग पोर्ट दी गई है, और बाजू में माइक्रोफोन की लॉक दी गई है अच्छी साउंड के लिए। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको एक, और इस साइड में आपको कोई बटन्स नहीं दी गई हैं, सब कुछ राइट साइड में ही हमें बटन्स दी गई हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर आप सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड को पीछे आप ओपन कर सकते हैं। इस फ़ोन की स्पेशलिटी के बारे में अगर हमें बात की जाए तो ये हाथ में बहुत ही हेवी लगता है आपको, क्योंकि इसके अंदर है जो 5000 mAh की बैटरी दी गई है। इसकी वजह से नॉर्मल फ़ोन से ज़्यादा भारी ही लगता है मुझे। तो यहाँ पर चलिए पीछे हम खोल देते हैं। आपको रिमूवेबल बैक पैन दी गई है, लेकिन आप बैटरी को निकाल नहीं सकते। क्यों ऐसे कर रहे हैं? बहुत ही अच्छी तरीके से हैं बैक कवर, आप देख सकते हैं उसके आवाज़ पे ही। तो यहाँ पर रही हमारी ZenFone की Asus फ़ोन, आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, ऑल राइट्स रिजर्व हैं। और यहाँ पर बैटरी है, लेकिन आप उस बैटरी को निकाल नहीं सकते। आप अगर अपने आप में बैटरी निकालने की कोशिश करेंगे तो आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी। यहाँ पर भी वारंटी स्टिकर आप देख सकते हैं, इसके अंदर वारंटी स्टिकर दी गई है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर वन सिम और टू सेकेंड सिम आप यहां पर डाल सकते हैं, और यहां पर माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हैं। इस फ़ोन में दो माइक्रो सिम आप डाल सकते हैं, बड़ा वाला भी नहीं और छोटा वाला भी नहीं। आपको दो मीडियम जो आप आजकल दे के जाते हैं माइक्रो सिम, उन माइक्रो सिम को ये फ़ोन एक्सेप्ट करता है। चलिए, सिम वन को आप ऊपर डाल सकते हैं, तो हमारे सिम वन को हम यहाँ पर डाल देते हैं। अगर आप जियो इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे सिम वन में ही डालिए। सिम टू, और यहाँ पर आप अपने मेमोरी कार्ड एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड यहाँ पर आप डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है ये। तो ये रही इस फ़ोन की बैक कवर, और इसमें प्राइमरी कैमरा और सेंसर्स दी गई हैं जो प्राइमरीली आजकल के सभी फ़ोन में हमें देखने के लिए मिलती हैं। बहुत ही हाथ में पकड़ने पर बहुत ही वज़नदार फ़ोन लगती है मुझे, और स्ट्रॉन्ग फ़ोन है। कवर भी बैक कवर प्लास्टिक का है, लेकिन अच्छी दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप एक माइक्रोफोन, यहाँ पर भी एक माइक्रोफोन देख सकते हैं जो स्टीरियो ये रिकॉर्ड करते हैं फोन्स। चलिए, अब हम बूट इन करते हैं इस फोन को। तो एक बात
बता देनी चाहता हूँ मैं, इस फ़ोन को जब मैंने लिया था तो इसमें वो LTE फीचर जो आज हम जियो जो इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता ही होगा, वो फीचर इसमें नहीं थी, इसमें सिर्फ 4G थी। लेकिन कंपनी के एक अपडेट के बाद हमें इसके अंदर वो LTE की नज़र आने लगी और ये वो LTE बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। चलिए बूट इन होने देते हैं इसे। इसके अंदर आपको 16 GB की इनबिल्ट मेमोरी मिलती है और आप 64 GB तक या फिर 128 GB तक भी आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड डाल के। डुअल सिम की सपोर्ट मिलती है, 4G है। इसके बड़ी प्रॉफिट है कि 5000 mAh बैटरी इसकी एक, तो इसके साथ में जो एक्सेसरीज दी गई है उसमें है OTG केबल आपको दी गई हैं, जिससे आप इस फ़ोन को पावर बैंक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवर्स चार्जिंग भी करता है ये फ़ोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन अभी, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फ़ोन बूट इन हो चुकी हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके नॉर्मल UI और जो ऐप्स इसमें इनबिल्ट ऐप्स आपको बहुत ही कम दी गई हैं और ऑप्टिमाइजेशन का भी बहुत ध्यान दे रखी है इस फ़ोन की। बहुत बड़ी हम कह सकते हैं वो है 5000 mAh की बैटरी, जो मुझे तो 2 दिन की यूसेज देती है। चलिए इसके स्पेसिफिकेशंस, आप किसी भी फ़ोन के स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं तो आप CPU-Z का ऐप यूज़ कर सकते हैं। CPU-Z ऐप आपको सभी जानकारी आपको दे देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 410 है इसके अंदर, 410 जो 1 GHz क्लॉक क्वाड कोर है, क्योंकि ये बैटरी कॉन्सेंट्रेटेड फ़ोन है और आप इसे 9500 में मार्केट में ख़रीद सकते हैं। ये 2016 की मॉडल है, 2017 की नहीं। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की 400 सीरीज़ का प्रोसेसर आपको दी गई है, क्वाड कोर है। तो डिवाइस के बारे में, आप ZenFone Max ZC550KL और ब्रांड एसस है, ब्रांड नेम हार्डवेयर आप देख सकते हैं, 5.5 इंच स्क्रीन HD आपको पिक्सल डेंसिटी मिलती है, 267 है। डायमेंशंस आप देख सकते हैं, वेट 200 ग्राम है, आपके हाथ में वेटफुल लगता है ये। अवेलेबल रैम आपको 2 GB का रैम है, 916 MB अवेलेबल रैम है। इंटरनल स्टोरेज 10 GB हैं और रिलीज डेट आप देख सकते हैं 2016-01। तो इसके सिस्टम देखे तो आपको एंड्रॉयड 6.0 इसके अंदर ही दी गई है। API लेवल है 23, सिस्टम पैच। बैटरी आप देख सकते हैं 5000 mAh के। थर्मल सेंसर्स की बात की जाए तो क्या इसके अंदर कोई सेंसर्स नहीं है, किसे पता। तो अभी हम सेटिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको इनबिल्ट ही बहुत मेंटेनेंस ऐप्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि पावर एंड बूस्ट, आपको कोई सेपरेट ऐप आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके अंदर वो सब कुछ वो दे रखे हैं उन्होंने। आप यहाँ पर थीम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप सेपरेट चाहते हैं तो सेपरेट होम स्क्रीन्स भी आप पा सकते हैं। ये रही इसकी मेन्यू बटन। तो चलिए कोई सिस्टम अपडेट है क्या, चेक कर लेते हैं। इसके अंदर कोई सिस्टम अपडेट तो नहीं आई है। एक दो तो OLTE आप यहाँ पर देख सकते हैं, OLTE सपोर्टेड है ये फ़ोन, जो पहले नहीं थी।
पावर मास्टर, ये सभी आप इनबिल्ट ऐप्स देख सकते हैं। सेटिंग्स में देखिए, आप सेटिंग्स नॉर्मली आप देख सकते हैं। अबाउट पर डुअल सिम है, ब्लूटूथ है, आप लोगों को मोर में जाइए तो डिजिटल मीडिया। अगले वीडियो में हम इसके बेंचमार्किंग करेंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।